नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस समय कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और विद्वान कोरोना को हराने के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षक संस्था संघ ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत गायत्री यज्ञ और महामृत्युंजय जाप करवा कर्मा गायत्री और भगवान भोलेनाथ से देश को कोरोना से बचाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए गुरुकुल एकेडमी कुसमानिया के संचालक राधेश्याम यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षक संस्था संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा के आह्वान पर और गायत्री परिवार और विद्यालय के शिक्षक परिवार के सहयोग से गुरुकुल एकेडमी कुसमानिया जिला देवास में 5 दिवसीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माँ गायत्री और भगवान भोलेनाथ से देश में कोरोना वायरस को मुक्त और आमजन की भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है। स्कूल संचालक यादव ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन आगे भी चलता रहेगा और गांव-गांव, नगर-नगर गायत्री यज्ञ और जन कल्याण के प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रार्थना एक समय में अनेक लोग अपने अपने घरों में बैठकर भगवान भोलेनाथ और माँ गायत्री से विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थना की जाएगी। देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। आज आपके समक्ष हम विगत 3 दिनों से ये हवन पूजन कर रहे हैं और हमारे ग्राम कुसमानिया में इस साल बहुत ही ज़्यादा महामारी का प्रकोप चल रहा है। उसी संदर्भ में हम सभी को आरोग्य और जल्दी से, जो हमारे अभी वर्तमान में जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको जल्दी से निरोगी काया मिले। उसी संदर्भ हम 2 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यज्ञ हम लोग कर रहे हैं और इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण में जो अभी ये वायरस प्रवेश कर गया है, इसको इस उद्देश्य से इस यज्ञ के माध्यम से जो वायरस है उसको समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही हमारी जो वर्तमान राजनीति है उसको सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे जो बच्चे और हमारे पालक वो निरोगी काया की ओर चले। और हम माँ गायत्री महांकाल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी स्कूल खुले और हमारा जीवन जैसा पहले था आजादी में वैसा ही वापस हो जाए। ओम माँ गायत्री। आप जो 5 दिवसीय हवन पूजन यज्ञ कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? जय माँ गायत्री, जय महाकाल। जैसा कि वर्तमान दौर में कोरोना महामारी के कारण आज पूरा विश्व और भारत सहित हमारे ग्रामीण अंचल भी उससे ग्रसित हो चुका है, तो हमारे 5 दिवसीय गायत्री परिवार के आह्वान पर और हमारे मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय संगठन के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश जी ओझा के आह्वान पर, हम समस्त विद्यालय परिवार और समस्त हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा ये 5 दिवसीय गायत्री हवन पूजन किया जा रहा है। इससे हम ये जो वायरस पर्यावरण प्रवेश कर गया है, ये इस हवन और इसको करने से ये पूर्ण रूप से पर्यावरण को शुद्ध करेगा और हमारे समुदाय, हमारे जन, हमारे जो नागरिक हैं, उनकी सबकी सोच को परिवर्तित करेगा, सकारात्मक सोच की ओर जाएगा और साथ ही हम लोग इसको करने से हमें भी एक शांति प्राप्त होगी। और आपका अशासकीय विद्यालय के संदर्भ में क्या मत है? हमारा अशासकीय विद्यालय संगठन, बहुत बड़े स्तर पर ये यज्ञ का आयोजन किया गया है और सभी अशासकीय विद्यालय, हमारे जो गुरुजन और जो उसके स्टाफ हैं, उनके द्वारा 5 दिवस का ये कार्यक्रम हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर परिवार में किया जा रहा है। और मुख्य रूप से ये कोरोना महामारी को देखते हुए इसका जो वायरस पर्यावरण में प्रवेश कर गया है और उसके कारण हर गांव, हर कस्बे में, हर सिटी में बहुत ज़्यादा ये अभी तांडव मचा रखा है। हमारा भगवान महाकाल और माँ गायत्री से ये आशा है, ये एक निवेदन है कि मैया जी जल्दी से इस तांडव को, ये वायरस को ख़त्म करें और हम और हमारा समस्त प्राइवेट परिवार, प्राइवेट स्कूल परिवार सुखी हो
और जैसा कि शासन ने भी विगत एक वर्ष से हमारे विद्यालयों को बंद कर रखा है, तो हम भी एक ही आग्रह करते हैं शासन के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जन नायक हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आने वाले भविष्य में हमारे ये विद्यालय खुले और हमारे उन छोटे छोटे बच्चों का, हमारे सभी बच्चों का जो भविष्य आज ताक पर रखा है, उस पर हमें कुछ करने को, आगे करने को हमें, और हमारे जो सभी जन शिक्षक और हम जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उससे हमें मुक्ति मिले। धन्यवाद। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।